मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से जुम्मा मुबारक। और आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन दालचा मेरे व्यूवर्स लोगों की फरमाइश पे, मेरे व्यूवर्स यानी मेरी फैमिली की फरमाइश पे। आप लोग तो मेरी फैमिली है ना, तो चलिए जल्द से जल्द रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर पे मैंने 1 किलो चिकन ली हूँ। चिकन को मैंने अच्छी तरह से साफ करके अच्छी तरह से धो ली हूँ 4 से 5 पानी से, है ना सिर्फ। और चिकन का पीस हमें थोड़ा बड़ा बड़ा रखना है ना। अभी इसमें डालेंगे 3 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छी तरह से वाटी साफ करके डालिए। 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, है ना। तो ये सब भी हम अच्छी तरह से डाल देंगे। बर्तन में मसाले बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। एकदम अच्छी तरह से मसाला और गोश्त एक हो जाना चाहिए। अभी हम इसे रखेंगे 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए। अगर आपके पास में टाइम है तो आप रखिए, नहीं तो आप इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो चलिए, फ्रिज में जगह नहीं है फिर भी मैं थोड़ा जगह बना के रख रही हूँ। तो चलिए इधर पर मैं अभी क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैं दाल को गला लूँगी, है ना। अभी दाल मैंने कितनी ली हूँ, 1/2 किलो, है ना। ओ 1/2 किलो को कितना बोलते हैं, 250 ग्राम। 250 ग्राम मैंने पूरी दाल ली हूँ यानी 1/2 किलो ली हूँ। मैं फिर बोलती हूँ, इसमें ली हूँ मैंने थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ी सी मूंग की दाल, थोड़ी सी मसूर की दाल और थोड़ी सी तुअर की दाल। ये चारों दाल मैंने मिक्स करके 1/2 किलो ली हूँ, है ना। अभी तुम्हारे भाई बोल रहे इसे 250 ग्राम बोलते हैं ना, 250 ग्राम। हाँ, तो चलिए मैंने इसे अच्छी तरह से 3 से 4 पानी से धो ली हूँ और इसे मैंने 1/2 घंटा भीगने रखी थी, थोड़ी सी दाल हमारी अच्छी तरह से फूल जाए, है ना। चलो अभी इसे मैं कुकर में डाल दूंगी। मैं बीच बीच में है ना बहुत बोली ना आसिफ। हाँ, तो चलिए अभी इसे मैं कुकर में डाल देती हूँ। अच्छी तरह से सब दाल हम कुकर में डालेंगे और इसमें मैं डालूंगी सिर्फ 1 गिलास पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना, 1 गिलास पानी भर के डालना है, है ना। है ना। और वीडियो बनाते बनाते हम लोग एक रील्स में वीडियो भी बना रहे थे, डांस कर रहे थे माँ बेटे। तो चलिए अभी इसके अंदर हम डालेंगे 3 मीडियम साइज के टमाटर, है ना। इसे बारीक बारीक से काट लीजिए और इसे भी डाल दीजिए। क्यों मैं इसमें डाल रही हूँ, मैं मसालों में नहीं डालूंगी। और हाँ, पहले इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके ढक्कन लगा देंगे। अभी इसमें मैं नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी। अगर आपको थोड़ा सा नमक डालना है तो आप डाल भी सकते हैं। तो चलिए अभी इसे अच्छी तरह से हाथ में अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स कर लेते हैं, अभी ढक्कन लगा लेते हैं। तो चलिए ढक्कन भी लग चुका है। अभी इसकी कितनी सीटी लेनी है आसिफ, 3 सीटी। 3 सीटी लेना है ना। आसिफ को भी मैं दालचा बनाना सिखा रही हूँ। माशाल्लाह मैं गोरी हो गई, मैं बहुत काली थी ना आसिफ। हाँ। तो चलिए अभी इधर पे हमारी एक तरफ दाल गलने के लिए मैं रख चुकी हूँ। दाल गलने के बाद में मैं आपको आगे का वीडियो बताऊंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह दाल अभी अच्छी तरह से गल चुकी है और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाली है ना, पानी डाल के मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ली। अभी मैं इसे किससे, हैंड ग्राइंडर, ये हमारी इलेक्ट्री वाली दाल घोटनी है। हाँ। है ना आसिफ। हाँ। इसे मैं बोलूंगी इलेक्ट्री वाली दाल घोटनी। तो चलिए अभी इसे मैं अच्छी तरह से घोक लेती हूँ। एकदम अच्छे से घोक लेंगे, अच्छी तरह से दाल भी एकदम मैश हो जानी चाहिए और हमारे टमाटर भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए। अभी मैं इसे फिर से गैस पे रखूंगी पकने के लिए। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे और दाल को एक साइड में रख देंगे, है ना। इसके बाद में मैं अभी बना लूँगी चिकन, चिकन का मसाला रेडी करूँगी। हाँ, तो इधर पर ये टोप देखिए मेरे, ये टोप मेरा कितने साल पुराना है, 20 साल पुराना टोप है। ये देखिए इसके ऊपर नाम भी लिखा है, अभी आसिफ आपको बताएगा। इस पे मेरी मम्मी फातिमा बी, 2 अफरोज 5 अक्टूबर 10वां महीना 2001। हाँ, तो बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप नए नए टोप लेके आके बता दे। नहीं, मेरा घसने का स्टाइल ही इतना अच्छा है, इतना साफ घसती हूँ कि आप मेरे पुराने बर्तन भी नए दिखते। और ये सब बर्तन मेरे 20-20 साल पुराने बर्तन है। मेरी शादी को 20 साल हो गए, 20 साल के बर्तन है ना मेरी अम्मी ने शादी में दिए थे। तो चलिए अभी मैं इसे रख देती हूँ। तो चलिए अभी मैं थोड़ा बीच बीच में बात भी कर रही हूँ ना। तो इधर पे मैंने गैस को जला दी और इसके ऊपर रखी हूँ एक टोप। अभी मैं इसके अंदर डालूंगी 4 से 5 चम्मच तेल। तो ये देखिए मुझे जजमेंट है इसलिए मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ, आप 4 से 5 चम्मच तेल डालिए। अभी तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी 4 मीडियम साइज की प्याज।
प्याज को मैंने मिक्सर में अच्छी तरह से बारीक पीस ली हूँ। दरवाज़ा कोई ठोक रहा है, देखो कौन आया है। तो चलिए अभी ये प्याज मैंने इसमें डाल दी। अभी इसे हमें एकदम गोल्डन ब्राउन कलर नहीं करना है, हल्का हल्का सा प्याज हमारा एकदम लाइट कलर दिखना चाहिए। दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ना बोलने से। अच्छा, अच्छी तरह से वाटी को साफ कर करके डालिए। तो ये देखिए खाना पकाने के समय मेरा पूरा ध्यान एकदम खाने पे रहता। इधर पे दाल भी हमारी पक रही है, माशाल्लाह दाल चा तो इतना बेहतरीन और इतना अच्छा बना था कि पूछो ही मत। कौन आया है? तो चलिए इधर दाल भी उबाल आ गई है, अभी दाल को एक साइड में रख दूंगी मैं। तो ये अच्छा, तो चलिए अभी इधर पर मैं ये देखिए हमारे प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया, एकदम हल्का सा, एकदम गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी जो मैंने चिकन मैरिनेट करने के लिए रखी थी वो निकाल लेंगे और ये चिकन हम इसमें डाल देंगे। गैस को हमें मीडियम रखना है, एकदम फुल गैस नहीं रखना है ना। तो ये अच्छी तरह से प्लेट वगैरह साफ करके हम इसमें डाल देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बराबर आसिम बराबर। तो चलिए अभी प्लेट में थोड़ा सा मसाला लगा था, ये भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और वो भी हम खंगाल के इसमें डाल देंगे। तो चलिए अभी मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मीडियम गैस पे ही रखूँगी और इसे हमें सिर्फ 10 मिनट तक का पका लेना है ढक कर। हाँ, 10 मिनट बाद मैं इसमें दूधी डालूँगी। एक तरफ मैंने दूधी को छील के रखी हूँ। तो ये देखिए अभी 10 मिनट बाद मैं चेक करती हूँ, ये देखिए 10 मिनट बाद अच्छी तरह से थोड़ा ये पक चुका है, पूरी तरह से नहीं पका है, आधा ही पका है ना आसिफ। बराबर बोल रही नासिब में, एकदम बराबर बोल रहा है। तो चलिए अभी ये मैं दूधी को छील के रखी हूँ, इसे लौकी भी बोलते हैं। लौकी को छील लीजिए अच्छी से और बीच में से थोड़ा सा इसका पार्ट निकाल दीजिए, ज़्यादा मत निकालिए। अभी ये लौकी डालने के बाद में हम इसे फिर से 10 मिनट तक का पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, 10 मिनट ही पकाएंगे कि लौकी हमारी गल जाए। और चिकन तो क्या, चिकन तो वाफ में ही गल जाता है ना आसिफ। और जैसे मैं बहुत फास्ट फास्ट ज़्यादा बोलने लगती हूँ ना तो मैं थोड़ी अटकने लगती हूँ आसिफ। नहीं बराबर बोलती, अच्छा बोलती हूँ मैं। अच्छा बोलती हूँ। तो चलिए अभी इसे ढक देंगे, अभी इसे हम 10 मिनट पका लेंगे। और बीच में अभी मैं इसमें कुछ साबुत अखे गरम मसाले भी डालूंगी। तो क्या डालूंगी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें मैं डालूंगी, तो ये देखिए हमारा चिकन देखिए अच्छी तरह से गल चुका है ना और हड्डी में से गोश्त भी थोड़ा छोड़ने लगा है और लौकी भी हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है यानी दूधी। तो इसमें डालूंगी मैं 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े, 4-5 इलायची, 4-5 लौंग, 4-5 काली मिरी और शाहजीरा आधा चम्मच। बराबर आसिफ बराबर। अभी ये डालने के बाद में हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करते जाएंगे, बीच बीच में मसाले भी भूनते रहना है, चिकन को भी गलाते रहना और लौकी यानी दूधी को भी गलाते रहना है। तो चलिए अभी मैं इसके अंदर डाल लूँगी दाल। तो दाल देखिए मैंने कितनी पतली रखी हूँ, थोड़ी सी पतली रखेंगे। अब ये सारी हम दाल इसमें डाल देंगे। मेरी दाल देखिए थोड़ी सी ना कुकर में लग गई थी, थोड़ी जल गई, मतलब जली नहीं खाली पकड़ ली थी। अभी कुकर भी खंगाल कर मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए अभी मैंने एक मुट्ठी इमली ली थी, इमली को मैंने अच्छी तरह से भिगा के उसका पूरा रस निकाल के ले ली हूँ। अभी वो इमली का पानी भी हम इसमें डाल देंगे। अभी इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एकदम भी घट आप दाल को मत रखना, दाल गोश को है ना थोड़ा पतला ही रखना क्योंकि ठंडी होने के बाद में दाल गोश एकदम घट हो जाता है। बराबर आसिफ बराबर। तो चलिए अभी इसे हम रख देंगे, सिर्फ 5 मिनट तक का पकाएंगे। अगर आपको ऐसा लगा कि नमक कम है तो आप थोड़ा सा नमक इसमें डाल सकते हैं, है ना। अभी मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच धनिया पाउडर, अभी इसमें डालूंगी मैं आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर भी मैं डालूंगी आधा चम्मच। ये देखिए आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर हमने डाल दिए। अरे वो कट कर दिया है ना आगे। अच्छा हाँ, अभी इसमें जाएगा 2 बूंद केवड़ा एसेंट। ये देखिए ऐसे करके 2 बूंद केवड़ा एसेंट डालिए, इससे खुशबू अच्छी आती है। अभी इन सबको मिक्स करेंगे और एक उबाल आने देंगे। कुछ बोलना बोल रहे ना, चिड़ी मेरी चुप बैठे। तो ये देखिए अभी इसमें उबाल आ गया, तो इसमें थोड़े से करी पत्ते के टुकड़े, एक मुट्ठी हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्ची हम इसमें डाल देंगे। बस सिंपल और इजी तरीके से मैं आप लोगों को बनाना बता रही हूँ। बराबर ना से चिकन का दाल गोश्त और बहुत बेस्ट लगता है चिकन का दाल गोश्त, खाने के लिए भी अच्छा लगता है ना। चिकन का दाल चा चिकन की अखनी भी है ना, मैं बनाई हूँ ना। तो चलिए अभी ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो इसको हम बंद कर देंगे। देखिए
माशाल्लाह माशा, अभी तड़का देना बाकी है। हाँ। तो अभी मैं इसे सिर्फ 5 मिनट पकाऊंगी और गैस को बंद कर दूंगी, फिर मैं इसे दूंगी एक मज़ेदार तड़का दूंगी, है ना। तो चलिए इसे बंद कर दी हूँ। अभी मैंने इधर पे तेल रखी हूँ, 2 चम्मच तेल ली हूँ मैंने। अभी उसमें डालूंगी 1 मीडियम साइज की प्याज, थोड़ा लंबे लंबे में आप इसे कटिंग कर लीजिए जैसे हम बिरिस्ता बनाते हैं वैसे। अभी प्याज का कलर हम अच्छी तरह से चेंज कर लेंगे, एकदम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर हो जाना चाहिए। तो उसमें मैं डालूंगी लाल मिर्ची, यानी 4 से 5 आप इसमें लाल मिर्ची डाल दीजिए। ये देखिए मस्त मस्त मस्त, अभी इसे तुरंत ही उठा के आप दालचे में डाल दीजिए। ये डाल दी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये दालचे में डाल दिए। अभी इसे ढक दीजिए और बघारे राइस के साथ में खाइए, है ना। हाँ तो इधर मैं डांस कर रही हूँ। ये कौन सा डांस था मालूम है, हम लोग ने एक रील्स पे वीडियो बनाया माँ बेटे ने, आप लोग देखना इंस्टाग्राम पे। हाँ इंस्टाग्राम पे। तो चलिए, और हाँ आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताना भूल गई मैं, दाल गोश्त के साथ में आप एक बार है ना कुचुंबर बना के खाइए, है ना। हम लोग जब भी दालचा बनाते हैं ना तो दालचे के साथ में हम लोग कुचुंबर बनाकर खाते हैं। उसमें क्या डालते हैं, सिर्फ प्याज, काकड़ी, हरा धनिया, दही और नमक, है ना। हाँ। ये रात का चावल बचा हुआ है। और इधर पे मैंने जीरा राइस भी बनाई है। तो जीरा राइस कैसे बनाते हैं अगर आपको देखना है तो मेरी आईडी में मौजूद है, अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं फिर से एक बार आपको जीरा राइस बनाना बता दूंगी। और हाँ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है ना, सिर्फ दाल गोश्त का और दाल गोश्त जीरा राइस और कुचुंबर। तो आप लोग एक बार इंशाल्लाह ज़रूर बना के देखिए दाल गोश्त के साथ में। बहुत लोग सोचेंगे अरे बिरयानी के साथ और अखनी पुलाव के साथ में ही कुचुंबर खाया जाता है, मगर नहीं, आप कभी भी कोई गोश्त का सालन बनाएंगे, चिकन का या मटन का, तो दाल गोश्त के साथ में भी आप कुचुंबर खाइए, बहुत अच्छा लगता है खाने में ना। एक बार मेरी स्टाइल में ट्राई कीजिए, बराबर आसिफ बराबर। तो चलिए इधर पे हमारा कुचुंबर भी रेडी हो चुका है, अभी मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए एक नंबर हमारा दालचा दिख रहा है। तो चलिए बिस्मिल्लाह बोलते हैं, सर्व करते हैं। मैं डांस अच्छा की ना रील्स पे है ना। तो चलिए इधर पे मैं निकाल रही हूँ, और ये देखिए हमारा जीरा राइस भी निकाल रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना बेहतरीन लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है। बिस्मिल्लाह बोल के निकाल देती हूँ। और हाँ मीठी रेसिपी ना, स्वीट, हाँ मतलब ये इसके लिए ना क्या नाम, 12 रबी अव्वल। 12 रबी अव्वल के लिए आपको कौन सी रेसिपी देखनी है मीठे में, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए जल्द से जल्द, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर वो वाली रेसिपी बनाऊँगी। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, और इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलना मत। फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी सी रेसिपी के साथ में, जब तक के लिए आसिफ अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़रूर करना, और मुझे कमेंट में बताना कि आपको कौन सी स्वीट मीठी रेसिपी हाँ। देखनी है 12 रबी अव्वल के लिए ना हाँ। तो वो रेसिपी मैं बनाऊँगी, आ जाओ आप लोग भी खाने के लिए। और माशाल्लाह मेरी प्लेट बहुत अच्छी लग रही है। अल्लाह हाफिज़।